नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्टन टुडे। मैं हूं राकेश। आइए सबसे पहले रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। उम्मेदगंज तालाब में युवक का मिला शव, चार पांच दिन पुराना बताया जा रहा शव। शव की नई हुई शिनाख्त, गोताखोरों ने शव बाहर निकाल कर पुलिस को सौंपा। इनामी बदमाश पुनीत उर्फ जिम्मी हुआ गिरफ्तार। अपहरण कर 10 लाख मांगने के प्रकरण में चल रहा था फरार। चर्चित नीतू हत्याकांड का भी लेना चाहता था बदला। तीन विभागों ने की आंवली, रोजरी व नया गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। यूआईटी, वन विभाग व पुलिस के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। 12 जिले में 2 नगर पालिकाओं में हुआ चेयरमैन का चुनाव। मांगरोल में 23 वोट कांग्रेस तो 12 वोट भाजपा के खाते में। वही छवड़ा में भाजपा का बना चेयरमैन। अब समाचार विस्तार से। कोटा के उम्मेदगंज तालाब में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नगर निगम के गोताखोरों को बुलवाकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। शव की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर शिनाख्त की प्रयास शुरू कर दिए हैं। बोलो जी। मामला ये है कि पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा अग्निशमन कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उम्मेदगंज तालाब में एक शव दिखाई दे रहा है। तो उसके सूचना प्राप्त होते और गोताखोर रेस्क्यू दल यहाँ आया, आकर के उसको निकाला है। और निकालने पर उसके सिर्फ अंडरवियर पहनी हुई है और आदमी का शव है और 20 से 25 ज़्यादा नहीं है उसकी उम्र, 20-25 का ही है। और डेड बॉडी जो है वो लगभग 3-4 दिन से लगभग पुरानी है। अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने के मुख्य आरोपी व इनामी बदमाश पुनीत उर्फ जिम्मी को कैथून पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिम्मी पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था, जिसे कैथून पुलिस ने महावीर नगर से उसके घर से धर दबोचा था। पुलिस ने उस पर 4000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। जिम्मी उर्फ पुनीत अपने साथी व चर्चित नीतू हत्याकांड का बदला लेने के लिए हत्याकांड के आरोपी रमेश गुर्जर का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। इस मामले में कैथून थाने में मामला दर्ज था। एसपी ग्रामीण पारस जैन ने सीआई राजेश सोनी के नेतृत्व में टीम गठित की थी। टीम के सदस्यों एएसआई अजीत मोगा, कांस्टेबल शाकिब पठान ने आरोपी को पकड़ने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई। गौरतलब है कि फरवरी 2016 में देवली अरब रोड पर वीरेंद्र उर्फ नीतू की हत्या हुई थी। हत्याकांड में रमेश गुर्जर व उसके साथियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। साथी की हत्या का बदला लेने के लिए 2018 में पुनीत उर्फ जिम्मी ने अपने साथियों के साथ मिलकर रमेश का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। आरकेपुरम थाना क्षेत्र स्थित मुकुंद्रा विस्तार के पीछे वन क्षेत्र में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उन लोगों ने वन भूमि पर अलग अलग हिस्सों में प्लानिंग कर रखी थी। वहीं अतिक्रमण की आड़ में नए मकान बनाने की तैयारी थी, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त किया। आज सुबह ही अतिक्रमण हटाने के लिए तीनों विभागों ने संयुक्त रूप से निर्णय लेकर अतिक्रमण क्षेत्र पर पहुंचे। भारी लवादमे के साथ बुलडोजर, जेसीबी मशीन अतिक्रमण स्थल पर पहुंचे, जहां से उन्होंने अध्ययन हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया। अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बारे में बताने से बचते रहे। काफी दबाव बनाने पर भी दबी जुबान से बताया कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अभी अभी यहाँ पे जो प्लॉटिंग है और जो खाली मकान है उसको हटाया जा रहा है जी। वन विभाग की कितनी बीघा जमीन पे अतिक्रमण हो रहा है अब वो देखना पड़ेगा, कितने बीघा जमीन पे है अभी वो फिगर कैलकुलेट करेंगे। जिले की मांगरोल व छबड़ा नगर पालिकाओं में हुए चेयरमैन के चुनाव में मांगरोल में कांग्रेस तो छबड़ा में भाजपा का चेयरमैन बना। मतगणना के बाद आए परिणामों के अनुसार मांगरोल में कुल 35 सीटों में से 23 सीट कांग्रेस व 12 वोट भाजपा को मिले, जबकि भाजपा के कुल 13 पार्षद निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार भाजपा में क्रॉस वोटिंग हुई। ऐसे में कांग्रेस के खोसल सुमन को निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं दूसरी ओर छबड़ा नगर पालिका के डले कुल 35 मतों में से कांग्रेस व भाजपा को 17-17 व 1 वोट बसपा को मिला। इसके चलते लॉटरी प्रक्रिया से चेयरमैन का चुनाव किया गया, जिसमें भाजपा के कैलाश चंद जैन की किस्मत ने जोर मारा और भाजपा के कैलाश चंद जैन को निर्वाचित घोषित किया गया।
उधर रावतभाटा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर दीपिका तिल्लानी चेयरमैन बने। दीपिका तिल्लानी को 40 पार्षदों में से 29 मत मिले। भाजपा के उम्मीदवार पंचुलता को 10 मत मिले। नगर पालिका रावतभाटा में 40 पदों में से 26 पार्षद कांग्रेस के, 11 भाजपा के और 3 निर्दलीय चुने गए थे। उपाध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। एक मत नोटा में गया। सवाईमाधोपुर के रणथंबोर नेशनल पार्क की पहाड़ी पर अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। रणथंबोर नेशनल पार्क के भैरव दरवाजे के ऊपर स्थित पहाड़ी पर आग लग रही थी, जो लोगों के लिए अपने आप में बेहद कौतूहल का विषय बना हुआ है। वन विभाग को भी हाल ही में इसकी जानकारी मिली है, क्योंकि पहाड़ी के ठीक ऊपर आग लगी है। ऐसे में जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाना भी वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। बहरहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 11 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले ने देश को दहला दिया था। 26/11 का वो दिन भारत के इतिहास का काला दिन था, जिसे कोई भूला नहीं सकता। 26 नवंबर को लश्करे तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले की बरसी पर राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने अंटागर स्थित शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर व 2 मिनट का मौन रखकर आतंकी हमले में सभी शहीदों के साहस एवं बलिदान को याद किया और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज 26/11 बम धमाके में जो शहीद हुए उनकी पुण्यतिथि की वजह से आज हम सब एकत्रित हुए और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए सारे भाई एकत्रित हुए हैं। आतंकवादी हमला किया गया था जिसमें कई लोग शहीद हुए थे, कई लोगों की जाने गई थी। उन सभी लोगों को आज हम सच्चे दिल से राजकीय महाविद्यालय के सभी छात्र यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित। कोटा में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने एक गर्भवती महिला को घसीटा और उसे थाने ले आई, जबकि महिला की ओर से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ही घसीट कर थाने लाने पर आमादा हो गई। यह पूरा वाकया हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल गर्भवती महिला ने अप्रैल महीने में कुन्हाड़ी इलाके में एक हॉस्टल लीज पर लिया था। हॉस्टल मालिक और महिला संचालक के बीच किराए का एग्रीमेंट होने की बात हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी को लेकर महिला ने हॉस्टल संचालक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने हॉस्टल मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिला मीनाक्षी पर दबाव बनाया और फिर उसे हॉस्टल से घसीटकर थाने ले जाने आई। अब कोटा पुलिस की यह कार्यशैली सामने आने के बाद पुलिस ने चुप्पी साध ली है। आरकेपुरम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसों से भरा हुआ ट्रक पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने देर रात हैंगिंग ब्रिज के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में 34 भैंसें और 3 पाड़े जबरदस्ती ठूसे हुए थे। पुलिस ने सभी भैंसों को बाहर निकलवाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी पीड़ावा निवासी है, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी भैंसों को यूपी के बुचड़खाने के लिए ले जाया जा रहा था। फिलहाल आरकेपुरम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटाबारा नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक राहुल अंता के हरिजन बस्ती का निवासी था। राहुल चंबल फर्टिलाइजर में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था। राहुल सोमवार को खत्म होने के बाद बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे एम्बुलेंस अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल अंता थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये लोग चमल फर्टिलाइजर में सिपर का काम करते थे, सफाई कर्मचारी के पद पे थे। तो ये बाइक से जा रहे थे तो नेशनल हाईवे 27 पर पीछे से ट्रैक्टर आया और इनको पीछे से टक्कर मार दी गई। भिड़ंत इतनी जोरदार हुई कि मुख्य वारदात पे हॉस्पिटल आते हुए व्यक्ति इनका सवाईमाधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने हनी ट्रैप व नाबालिग बालिकाओं के नाम से दुष्कर्म के झूठे मामलों में फंसाने के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी हिंडोन निवासी ओम प्रकाश मीणा को दोष मुक्त करते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रुपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने पॉक्सो मामले के गलत जांच कर कोर्ट में झूठी चार्जशीट पेश करने पर सवाईमाधोपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सहित 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 2 माह के भीतर जांच करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने गृह विभाग की जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने व
सीबीआई से जांच करने की भी अनुशंसा की है। साथ ही गृह विभाग की जांच के दौरान संबंधित सभी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने या लाइन हाजिर करने अथवा आम जनता से संपर्क रहित पोस्ट पर रखने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों के दोषी पाए जाने पर 5 लाख रुपए की हर्जाना राशि सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के वेतन से काटने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने 48 पन्नों में यह अहम फैसला सुनाया है ताकि हनी ट्रैप जैसे झूठे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। सारी एविडेंस जो कलेक्ट करके पेश की गई तो कोर्ट ने यह माना कि इन लोगों ने जो है नाजायज रूप से एक इनोसेंट आदमी को फंसाया ओम प्रकाश को, और घोर लापरवाही जो इन्वेस्टिगेशन में की गई है और उस लापरवाही को देखते हुए जो है कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि इस तरह की जो ब्लैकमेलिंग समाज सोसाइटी में पनप रही है उसकी रोक लगाने के उद्देश्य से कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और ये गृह मंत्रालय से जो है सेक्रेटरी लेवल पर जांच होगी, जांच 2 महीने में जो है पूरी करेंगे। जांच के दौरान जो है संबंधित आईओ जो थे गंगापुर के थाना अधिकारी भाटोदा, डीवाईएसपी गंगापुर तथा एसपी महोदय चारों के खिलाफ ये जांच के लिए आदेश दिए हैं। 2 महीने में जो है जांच होगी, जांच के बाद जो है अगर ये दोषी पाए जाते हैं इनके खिलाफ FIR लॉज होगी और उसमें CBI से जांच करने की अनुशंसा कोर्ट ने की है। साथ ही जो है मुलजिम को 5 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए गए हैं और ये क्षतिपूर्ति अभी राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार के बाद अगर ये दोषी पाए जाते हैं पैसा अदा करने के बाद तो ये पैसा इनके पुलिस अधिकारियों के वेतन से वसूल करके और जो है राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं कोर्ट। कोटा में नगरीय परिवहन सेवा नहीं चलने से परेशान होकर मंगलवार को ZEB कॉलेज की छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। छात्र संघ अध्यक्ष प्राची शर्मा की अगुवाई में छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर आंदोलन छेड़ा। बड़ी संख्या में छात्राओं ने हस्ताक्षर करके इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया और जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की कि उनकी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जल्द से जल्द सिटी बसों का संचालन किया जाए। छात्र संघ अध्यक्ष प्राची शर्मा के अनुसार सिटी बसों के नहीं चलने से कॉलेज में छात्राओं की संख्या भी कम हो गई है क्योंकि निजी बसों और ऑटो द्वारा मनमाना किराया वसूल करने से उनके जेब पर भी भारी पड़ रहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा सिटी बसों के बंद होने से सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हमारी छात्रा बहनों को उठानी पड़ती है क्योंकि कॉलेज आने का एकमात्र सुरक्षित साधन सिटी बसें ही हैं जो हर एरिया में जाती हैं और वाजिब कीमत पे ये छात्राओं को आवागमन के लिए लेकर आती हैं। और सिटी बस बंद होने से परेशानियाँ जो उठानी पड़ी कॉलेज छात्राओं का जो कॉलेज आना है वो थोड़ा कम हो गया। तो सारे परेशान हो रहे हैं, उनके जो प्रैक्टिकल्स वगैरह जो फाइल्स हैं वो टाइम पर सबमिट नहीं हो पाती है। मैं सरकार से यही निवेदन है इसको जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए। हर कॉलेज में जा रहे हैं, ITI गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सारे कॉलेज में हमारा अभियान चलेगा। आज ZEB के अंदर हमने अभियान चलाया है, उस छात्राओं को इसमें हमने सहयोग के लिए राजी कराया है और आने वाले टाइम में अगर सिटी बस नहीं चलती तो एक आंदोलन को। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को कोटा पहुंचे जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार मंदी के दौर में उद्योगपतियों को राहत देने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में देशभर के बड़े उद्योगपतियों का राजस्थान में बुलाया जाएगा और प्रदेश में नए उद्योग धंधे शुरू होंगे, इसके लिए नियमों में नरमी बढ़ती जाएगी। छोटे और मझोले उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा जिससे रोजगार का सृजन हो सके और नियमों में सरलता लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब एजुकेशन सिटी में रिको क्षेत्र में जो नए हॉस्टल निर्माण नहीं हो सके इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही जिनके हॉस्टल बन चुके हैं उसका निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लिया जाएगा। इस मौके पर स्थानीय उद्योगपतियों ने भी अपनी समस्याओं से उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा को अवगत कराया। इससे पहले उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उद्योगपतियों की समस्याओं से रूबरू करवाया और जल्द से जल्द उनके निदान के लिए मंत्री मीणा ने रिको अधिकारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की। बैठक में जिला कलेक्टर ओम प्रकाश कसेरा, बूंदी झालावाड़ के जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उद्योग लगाने के लिए गंभीर है, हम चाहते हैं राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा उद्योगों में निवेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति यहाँ पर आए, उनकी जो समस्या है उनका हम सुनकर हमारे जो नीतियाँ बन रही है, हमारे जो कानून बदल रहा है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देना चाहते हैं जिससे हमारे उद्योगपति यहाँ पर आकर आसानी से उद्योग लगा सके। जैसे उनको कई बार परमिशन के लिए घूमना पड़ता है अलग अलग विभाग में, उसके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम 2011 का जो एक्ट है उसमें संशोधन करके उसको कहीं भी किसी भी विभाग में नहीं जाना पड़ेगा। एक सिंगल विंडो पर जाने पर सारे 16 विभाग की जो परमिशन है वो एक साथ मिल जाएगी।
भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान अंगीकृत दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। अदालत परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारीगण, अभिभाषक परिषद कोटा एवं न्यायिक कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संविधान के बारे में जानकारियां दी गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित ने अपने भाषण में कहा कि कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद अभिभाषक परिषद की ओर से आरजेएस में चयनित होने पर कोटा की अधिवक्ता अंजू कुमारी का सम्मान किया गया। अंजू की राजस्थान में 155वीं रैंक बनी है। टिपटागढ़ पैलेस के पास नाला चौक होने पर वहां पर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी हो जाने से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक महीना हो जाने के बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। दिक्कत आ रही है यहाँ पर, यहाँ पर डेली मेरा निकलना होता है, मैं दूर जाता हूँ रोज, और यहाँ पे करीब करीब सभी लोग परेशान रहते हैं और कपड़े भी खराब हो जाते हैं। डेली भी हमारा दिन निकलना होता है तो ट्रैफिक में भी परेशानी आती है। नालों का पानी जो है चौक हो गया है वो रोड पे निकलता है, रोड पर पूरा नाल पानी फैला हुआ है। यहाँ पर जो बीजेपी का बोर्ड है निगम के अंदर, उसको देखते हुए ये हालत है रोडों की, नालों की, और आज बीजेपी का बोर्ड खत्म हुआ है उसके बावजूद देख लो इन्होंने ये काम करवाए हैं। जो कोटा की शान है इसको लोग बाहर से टूरिस्ट देखने आते हैं उसके अगर ये गंदगी है। यहाँ पर आदमी निकलता है काफ़ी परेशान होता है, छींटे लग के कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये मंदिर है पास में, यहाँ दर्शन करने आते हैं उन लोगों को भी काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर सारे नेता इसी रोड से गुजरते हैं लेकिन उन्होंने देखा है लेकिन अनदेखा करके चले जाते हैं। राजस्थान के बारा में आज संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा बारी बारी से शहर के अंबेडकर सर्किल पर पहुंचकर संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का स्नान कराकर माल्यार्पण किया गया। वहीं वक्ताओं के द्वारा बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान पर प्रकाश डालते हुए महामानव भारत रत्न को श्रद्धा से याद किया गया। इस अवसर पर भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम दिन भर चला। खासी तादाद में लोगों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उधर सवाई माधोपुर में भी संविधान दिवस के अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अभिभाषक संघ के संयुक्त तत्वावधान में अभिभाषक संघ कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्य तथा संविधान द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मंचासीन अतिथियों सहित अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए और संविधान के बारे में जानकारी दी। वहीं बजरिया स्थित अंबेडकर सर्किल पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर सर्व समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी समाज के पदाधिकारियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं इस अवसर पर संविधान निर्माता अंबेडकर के जयकारे लगाए गए। एक्चुअली हमें संविधान दिवस तो पहले से ही मनाया जा रहा है 2015 से, जैसे हमने बताया अभी, लेकिन इस बार विशेष करके प्रियाम्बल और जो मूल कर्तव्य हैं संविधान के, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए हैं हमें, और उसी सिलसिले में आज हमारे ऑफिसर्स भी जगह जगह स्कूल कॉलेज में पूरे ज़िले में गए हैं और उन्होंने बच्चों को संविधान के प्रियाम्बल और मूल कर्तव्यों के बारे में बताया है। झालावाड़ में सिटी 4 लेन के बीच में पिलर बनाने से नालों में रुकावट पैदा हो गई है जिससे शहरवासियों में रोष व्याप्त है। सिटी 4 लेन में जगह जगह गेट व बोर्ड लगा दिए हैं जिससे बारिश में सड़कों पर पानी आएगा। ऐसे में ये तकनीकी खामी है, इसको तुरंत ठीक किया जाए। नालों में पानी रुकने से मार्ग में रुकावट पैदा होगी, पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आएगा जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। इस मामले में अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एसडीएम विजेंद्र मीणा के अध्यक्षता में आज एसडीएम कार्यालय पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें करीब 22 से भी अधिक विभागों के उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सफाई व्यवस्था सहित अमृत योजना के तहत करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान एसडीएम ने सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद अधिकारियों को फटकार लगाई और शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल आपूर्ति व बिजली चोरी का मुद्दा छाया रहा जिस पर एसडीएम में
चंबल परियोजना की समीक्षा करते हुए पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बिजली अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने व छीजत कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आज जो साप्ताहिक समीक्षा बैठक है सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली गई, जिसमें मुख्य रूप से जो LNTA प्लस अमृत जल योजना का जो काम है पिछली बार EDM साहब ने मौका देकर उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई, और जो चंबल का पानी है उसको भी सुचारू रूप से चालू करा दिया गया है, और इसके संबंध में नगर परिषद के जो भी विभिन्न मुद्दे थे उनमें बिजली पानी चिकित्सा विभाग के संबंधी जो भी मुद्दे थे सब पर चर्चा की गई विस्तृत रूप से, जो भी इनके परिवार थे विभागीय उनके बारे में विस्तृत। तो ये थे अब तक की विशेष खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से रूबरू होते हैं हाड़ौती के ताजा हाल से। उम्मेदगंज तालाब में युवक का मिला शव, 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा शव, शव की नई हुई शिनाख्त, गोताखोरों ने शव बाहर निकाल कर पुलिस को सौंपा। इनामी बदमाश पुनीत उर्फ जिम्मी हुआ गिरफ्तार, अपहरण कर 10 लाख मांगने के प्रकरण में चल रहा था फरार, चर्चित नीतू हत्याकांड का भी लेना चाहता था बदला। तीन विभागों ने की आंवली रोजली व नया गांव में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, UIT वन विभाग व पुलिस के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद। बारा जिले में 2 नगर पालिकाओं में हुआ चेयरमैन का चुनाव, मांगरोल में 23 वोट कांग्रेस तो 12 वोट भाजपा के खाते में, वही छवड़ा में भाजपा का बना चेयरमैन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत राकेश को, स्टैंड टीम की ओर से आप सबको नमस्कार।